हेलो गैस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गैस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ़ोनपे एप्लीकेशन को लेकर के। तो गैस, फ़ोनपे एप्लीकेशन में एक इशू फेस करने को मिल रहा है। बहुत से यूज़र परेशान हैं कि जब वो रिचार्ज करने जा रहे हैं तो जो गिफ्ट कार्ड का बैलेंस का जो ऑप्शन है वहाँ पर शो नहीं हो रहा है। उनके बैंक का ऑप्शन शो हो रहा है लेकिन गिफ्ट कार्ड का जो ऑप्शन है वो शो नहीं हो रहा है। ऐसे में बहुत से यूज़र परेशान है कि हम अपने गिफ्ट कार्ड का बैलेंस का जो यूज़ है वो कैसे करें। हम अपना गिफ्ट कार्ड का बैलेंस से रिचार्ज भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ऑप्शन नहीं आ रहा है। मेरे पर बहुत सारे कमेंट आए हैं, उसके बाद ही मैंने ये वीडियो बनाया। तो गैस, मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको भी गिफ्ट कार्ड का बैलेंस का जो ऑप्शन है वहाँ पे शो नहीं हो रहा है रिचार्ज करते टाइम, तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। तो गैस, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देख सकते हैं। तो चले गैस, फिर देर ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गैस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चले गैस, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको, अगर आपका गिफ्ट कार्ड का बैलेंस का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है रिचार्ज करते टाइम, तो आप उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो गैस, प्रैक्टिकल के लिए चलना पड़ेगा हमें अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने फोन पे एप्लीकेशन को अपडेट नहीं कर रखा है तो कृपया करके उसको अपडेट कर लें। यहाँ पे आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है फोन पे। फोन पे सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको चेक करना है, जहाँ पे मेरा ओपन का ऑप्शन आ रहा है वहाँ पे आपको अपडेट का ऑप्शन आ रहा होगा। अगर कोई इशू होगा, बग होगा, तो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको अपडेट कर लिया है, आपको भी इसको अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के 2 से 3 घंटे बाद आपको क्या करना है, आपको दोबारा से फोन पे एप्लीकेशन ओपन करना है। आगे का प्रोसेस मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं कि मेरे फोन पे एप्लीकेशन में गिफ्ट कार्ड का बैलेंस जो है ऑप्शन शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने अपडेट करने के बाद अभी तक उसको ओपन नहीं किया है। अब ओपन कर रहा हूं मैं 3 घंटे बाद, ठीक है। चलिए फिर मैं आपको दिखा देता हूं। हालांकि मेरे फोन में पहले से ऑप्शन शो हो रहा था, मैंने एक बार रिचार्ज भी किया है, लेकिन अभी कल मैंने चेक किया जब किसी ने पूछा मेरे से कि यहां पे फोन पे एप्लीकेशन में गिफ्ट कार्ड का जो बैलेंस है वो शो ही नहीं हो रहा है, तो मैंने सेम यही प्रोसेस किया। गया वहां पे, देखा, अपडेट किया, अपडेट करने के बाद 2 से 3 घंटे बाद करा तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। तो चलिए गाइस, फिर हम मोबाइल के स्क्रीन पे चलते हैं। तो गैस, हम मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो चलिए गैस, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ फोन पे एप्लीकेशन ओपन करके, आपको रिचार्ज करके दिखा देता हूँ कि गिफ्ट कार्ड बैलेंस का जो ऑप्शन है वो शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है पेमेंट मेथड में। तो गैस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने फोन पे एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। सबसे पहले मैं बैलेंस दिखा देता हूँ आपको कि मेरे पास फोन पे गिफ्ट कार्ड में बैलेंस है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 99 रुपीज यहाँ पे है, ठीक है। अब इससे आपको रिचार्ज कैसे करना होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फोन पे एप्लीकेशन अपडेट होना चाहिए, तो आपको सिंपली रिचार्ज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। रिचार्ज ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपको अपना नंबर सेलेक्ट करना है जिस नंबर पे आप रिचार्ज करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंपनी का नाम सेलेक्ट करना होगा आपको, जैसे कि यहाँ पे मैंने अपना नंबर डाल दिया है। नंबर डालने के बाद आपको कंपनी सेलेक्ट करना है, ठीक है। कंपनी सेलेक्ट करने के बाद आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे अपना पैसे कितने रुपए के रिचार्ज करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने नंबर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे अभी फिलहाल मैं 15 रुपए का नेट का जो रिचार्ज होता है वो यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। आपको बस इतना ही दिखाना है कि पेमेंट मेथड में गिफ्ट कार्ड बैलेंस का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने प्रोसीड टू पे पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर ही आ रहा है फोन पे गिफ्ट कार्ड बैलेंस का ऑप्शन, उसके नीचे आ रहा है बैंक, उसके नीचे दूसरा बैंक, उसके नीचे आ रहा है वॉलेट का ऑप्शन, ठीक है। यानी कि पेमेंट मेथड में ये जो गिफ्ट कार्ड का बैलेंस का ऑप्शन है वो आ रहा है। तो अगर हम प्रोसीड कर दिए तो हमारा रिचार्ज हो जाएगा। गाइस, मैं अभी यहां रिचार्ज नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी रिचार्ज है। ये 15 रुपए का रिचार्ज करूंगा तो वेस्ट ही जाएगा। तो गाइस, नीचे के साइड में आप देख सकते हैं कि यहां पे आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है। बहुत से यूजर इसीलिए मुझे कंप्लेन कर रहे थे, कह रहे थे कि एक इशू है उसके ऊपर वीडियो बनाओ। गाइस, यहां पे आप देख सकते हैं कि आप टाइम भी देख सकते हैं और यहां पे डेट भी देख सकते हैं कि आज की ही डेट है और यहां पे मेरे फोन पे गिफ्ट कार्ड का बैलेंस आ रहा है पेमेंट मेथड में। तो गाइस, उम्मीद करता हूं कि आप भी अपना फोन पे अपडेट करके और 2-3 घंटे बाद आप इसको दोबारा से ट्राई करेंगे। तो गैस, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चले गैस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।